आएगा मोदी आएगा। मैं तो अपने घर में भी कहती हूँ, मैं अपने घर में भी कहती हूँ कि मोदी सरकार आएंगे। केजरीवाल ने फ्री हमारे लिए, हमारे लिए भैया फ्री वो करिए बस सेवा हम औरतों के लिए, केजरीवाल। हाँ केजरीवाल ने, हाँ तो आएगा मोदी, मोदी आएगा मगर केजरीवाल कुछ भी करे। अच्छा ये बताइए हरियाणा वाले क्या सोच रहे हैं? हरियाणा वाले वही सोच रहे जो इंडिया वाले सोच रहे हैं। दिल्ली वाले, इंडिया वाले, इंडिया वाले भारत से है तो भारत ही बोलेंगे ना पहले तो। अच्छा बिल्कुल, क्या सोच रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? नहीं कान में बता, नहीं बिल्कुल नहीं, कान में की चौड़े में बोल रहे हैं मोदी सरकार आएगी। चौड़े में बोल रही है बिल्कुल। राहुल जी को तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन राहुल जी की ना कोई चांसेस नहीं है कि वो बनेंगे इस बार। अरे उनकी बहन है प्रियंका दीदी। कोई बात नहीं, लेकिन उनके दादाजी है मोदी सरकार। दादाजी मोदी दादा, उनके दादाजी है मोदी सरकार और दादा की ही सीट होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। लगातार आपको काशी से एक एक खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी काशी में चाय पर चर्चा तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन आज जिस जगह पर मैं चर्चा कर रहा हूं ये एक मशहूर लंका का क्षेत्र है और ये मशहूर हॉली वेफल्स यानी कि एक यूरोपियन डिश इसको कह सकते हैं उसकी दुकान है। और शाम को इसी तरीके से युवा यहां पर एकत्रित होते हैं और इसी दुकान के बाहर आज चर्चा करेंगे कि आखिर इस चुनाव पर युवाओं की क्या सोच है, इस चुनाव पर युवा सोच क्या रहे हैं और जब युवा बटन दबाने जाएंगे तो उनके मुद्दे क्या रहेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सोनकर है। रोहित जी ये क्या एक मशहूर दुकान कह सकते हैं आप? हाँ जी, हमारे चाचा ने इसको ओपन किया है। अच्छा, और काफी शाम को काफी लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, स्टूडेंट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सारे स्टूडेंट, IIT IIMS सारे स्टूडेंट आते हैं खाने के लिए। रात में इनकी दुकानें रात को 12 बजे तक खुली रहती है, लोग आते हैं बहुत अच्छा खाते हैं। तो क्या चर्चा आजकल चल रही है आपके कह सकते हैं इस यूरोपियन डिश की दुकान पर, क्या चर्चा चल रही है? क्योंकि देखिए चाय पर चर्चा तो बहुत लोग दिखाते हैं और हमने भी दिखाई है, लेकिन अगर ऐसी दुकानों की बात करें जहाँ पर हाई के लोग आते हैं, जहां पर उनकी सोच बहुत अलग थोड़ा होती है, उनकी थिंकिंग अलग होती है, लेकिन अगर देश की बात करें या फिर गवर्नमेंट की बात करें तो क्या चर्चाएं चल रही है इस बार? चर्चाएं यहाँ चल रही है, यहाँ पे युवाओं का मुद्दा है, हमारा विकास का मुद्दा है कि हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, विकास हो हमारे यहाँ। और हमारा जितना विकास 10 सालों में हुआ है, पिछले बहुत सारे सालों में इतना विकास नहीं हुआ है। हमारे ये जो नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ के वाराणसी के सांसद हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा विकास किया है यहाँ पे हमारे लिए। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं, बाहर के अगल बगल के हमारे क्षेत्र जो लगते हैं पूर्वांचल क्षेत्र के, एक ये हब हो चुका है इस समय वाराणसी। तो आप मानते हैं कि बनारस में आपने जब सांसद पहली बार 14 में नरेंद्र मोदी आए, उनको चुना आपने, तो सोचा कि जो मोदी बोल रहे हैं वो करेंगे या फिर आए नेता चले गए नेता, जीते नेता चले गए नेता, ऐसा ही मोदी भी करेंगे? भैया आए, जनता से वादा किया, माँ गंगा ने बुलाया, माँ यमुना ने बुलाया, इस तरीके के जो भी उनके वक्तव्य रहे, आप लोगों ने महसूस किया कि हाँ भैया हम मोदी करेंगे वो काम, या फिर मोदी जी ने भी धोखेबाजी कर दी जनता के साथ? नहीं, मोदी जी के अंदर विश्वास दिखता है हम लोगों को। वो जब आए थे वाराणसी में, जब उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया था कि हम लोग यहाँ से वाराणसी चुनाव लड़ेंगे वो, लेकिन तभी हमें विश्वास हो गया था ये व्यक्ति हमारे वाराणसी को के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, तभी हमें विश्वास हो गया था। और आप देख सकते हैं, आप बनारस में आए होंगे, रोडें देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, और अगल बगल जितने भी हमारे पूर्वांचल को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है वाराणसी, उन्होंने एक ऐसा हब सेट किया है यहाँ पे, बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे, टूरिज्म बढ़ चुका है। अभी हमारा आप देख रहे होंगे कि स्टेडियम बन के तैयार होने वाला है 2025 तक लगभग तैयार, फिर हमारा रोपवे बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बहुत संभावना है बिजनेस के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है, बहुत संभावनाएं हैं। चाचा जी, आप चाचा हैं इनके? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, कब आपने ये शॉप खोली? हमको खोले हुए 8 महीने 9 महीने हो गया है। अच्छा, मतलब 1 साल लगभग होने वाला। और अच्छे और एजुकेटेड बच्चे आते हैं तो अच्छा लगता है इनको यहाँ देखकर, अच्छी चर्चा होती है, देश पर चर्चा होती है, विकास पर चर्चा होती है, अब मोदी जी पर बहुत अच्छी चर्चा होती है। अभी आपने विश्वास की बात इनसे पूछी कि आपको मोदी जी पर विश्वास कब से हुआ? हमें मोदी जी पर विश्वास 2014 से नहीं हुआ है, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब से विश्वास था कि हमारे देश के एक दिन प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, इस देश की नैया पार करेंगे, इस देश का विकास करेंगे, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, एक सुदृढ़ भारत, एक विश्वगुरु भारत जी, एक ऐसा भारत का निर्माण करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, मोदी जी को स्वर्ण अक्षर के रूप में जानेंगी कि हमारे देश में कभी कोई प्रधानमंत्री था, मोदी
देव तुल्य दो बार से आपने चुन लिया है प्रधानमंत्री मोदी को, अब तीसरा टर्म है, तीसरे टर्म में आपको लगता है कि नहीं भैया दो बार चुन लिया, विकास करा लिया, आप छोड़िए, अब क्या करना, आप किसी और को देखते हैं। क्यों छोड़े? अरे राहुल जी कह रहे हैं 1 लाख रुपया देंगे ठकाठक, अखिलेश जी कह रहे हैं हटाओ मोदी को, 80 हराओ भाजपा हटाओ, जो इनका नारा था कि 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं, आज 10 किलो अनाज क्यों देने की बात कर रहे हैं, आज जिसकी जितनी हिस्से आज मोदी जी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं, मोदी जी थर्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है कि हम जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी की बात कर रहा है, आज हमको किस आग में ढकेल रहे हैं लोग, देश जल जाएगा जिस दिन इन लोगों की सत्ता आ जाएगी, जिस दिन इन लोगों की देश की बात सुन लेंगे, आज जात पात की करो विदाई, भारत देश में भाई भाई की बात चल रही है, ये लोग जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, आज देश को कहाँ ले जा रहे हैं, आप समझ गए ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्यों 10 किलो अनाज की बात आप कर रहे हैं, मोदी जी की अगर योजना 5 किलो अनाज वाली गलत थी तो आज आप 10 किलो अनाज की बात क्यों कर रहे हैं, आप आ गए उसी चीज पर, मोदी जी ने कोरोना में जो किया है ना पूरे विश्व को रास्ता दिखाया है, मोदी जी के लिए हम लोग दिमाग से नहीं दिल से बोलते हैं, और बनारस का कोना कोना मोदी जी का ऋण है, यहाँ की 80% जनता 80% जनता मोदी जी को देवतुल्य मानती है, विकास पुरुष मानती है, गंगा जी का बेटा मानती है, हम तो चाहते हैं मोदी जी जब तक रहें तब तक इस देश के प्रधानमंत्री रहें, 1929-24 की बात है ही नहीं है, आप नहीं मान रहे कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए हम देंगे, 8,500 रुपए हम देंगे, 10 किलो अनाज देंगे, मोदी ने जनता को खराब कर दिया, मोदी ने देश को बेच दिया, ये सब बातें चुनाव में आएगी, आप मोदी जी की बात करने आए कि देश को बिगाड़ने की बात करने आए हैं, इस देश में राहुल जी का क्या योगदान है, इस देश में राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने चलाई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने चलाई, 4 जून के बाद भारत खोजो यात्रा करेंगे वो, 4 जून के बाद वो भारत खोजो यात्रा करेंगे, इंडी गठबंधन थाई करेगा 4 जून के बाद, कांग्रेस भाई भाई, हम कांग्रेस तो कहते ही नहीं, हम खानग्रेस कहते हैं, खानग्रेस हाँ ये कौन सी पार्टी बना दी आपने राहुल जी की, राहुल जी वही है, DNA उनका वो है, मैं उस विषय बहुत जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस देश की संस्कृति को नष्ट किया कांग्रेस ने, इस देश की किसी देश को खत्म करना हो ना तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दीजिए, हम तो कहते हैं कि 2014 के बाद ये देश जाना कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी परिभाषा क्या है, विकास क्या होता है, यानी 14 के बाद आप समझे, 14 के बाद असली हम लोग आजादी समझे, आजादी होती क्या है, ये देश का कल्चर क्या है, देखिए 14 लड़े 19 लड़े और 24 की बारी है, क्या कहेंगे भाई साहब 24 की बारी में, इस बार मुद्दा क्या है, देखिए भाई साहब आप जिस शहर में हैं ये गुरुओं का शहर है, गुरुओं का शहर है, तो एक तो बात आपको बता रहे जो खटाखट और ठकाठक चल रहा है कि 1 लाख रुपए दे देंगे, ये लोग रेलवे में ना यात्रियों को पानी नहीं दे पाते थे, बाथरूम में पानी नहीं रहता था, और ये लोग खटाखट ढकाढक बोल रहे हैं, ये कॉलोनी की रोड नहीं बना पा रहे थे, हाईवे नहीं बना पा रहे थे, गड्ढा रोड में है कि रोड गड्ढे में है लोग समझ नहीं पाते थे, वो व्यक्ति बोल रहा है कि खटाखट दे देंगे, तो ये हवा वाली बात है, और विकास जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये पहले अनाउंस होता था कि ये 4 घंटा लाइट नहीं रहेगा, तो उस समय ये भीड़ इकट्ठा होती थी कि भैया 6 घंटा लाइट नहीं रहेगा, अच्छा लाइट नहीं आती थी तब यहाँ भीड़ इकट्ठा होती थी। आज के डेट में आधे घंटा लाइट जाता है तो यही खटाखट और ढकाढक वाले बोलते हैं कि अरे लाइट कट गया, जो 6-6 घंटा लाइट ही नहीं दे पाते थे, बाजार बंद था, लोगों का रोजगार नहीं मिल पा रहा था, आज के डेट में एक एक व्यक्ति भरपूर काम कर रहा है, कोई बेरोजगार नहीं, बेरोजगार बस वही है जो सरकारी नौकरी चाह रहा है। अरे तो 1 लाख रुपए नहीं चाहिए आपको भाई? नहीं, नहीं, नहीं। मुझे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमको 1 लाख महीना कमाना है, महीना कमाना है। 1 लाख साल में नहीं चाहिए, 1 लाख रुपए महीना कमाना है, उस देश की हम लोग बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का झुंझुना लेके साल का नहीं घूमना है, साल का नहीं, हाँ हमको 200-400 लोगों को काम देना है, उस पे काम करना है। जी भाई साहब आप आइए, आप युवा हैं, कितनी उम्र है आपकी? मेरा 42। 42 तो राहुल गांधी से थोड़ा आप बड़े हैं। नहीं छोटे हैं ना, छोटे बड़े हैं। अच्छा ये बताइए क्या लोग आप समझ रहे हैं, क्या मन है इस बार जब मुद्दा बटन दबाने जाएंगे तो मुद्दा क्या है?
विकास ही रहेगा जिस हिसाब से मोदी जी ने 10 साल से बनारस को संभाला है। और पहले हम लोगों को 10 साल पहले हम देखते हैं तो हमारा यहीं पे जनरल स्टोर का दुकान था। हम लोग समझ जाइए कि रात को 11 बजे दुकान बंद करते थे और रात 2 बजे तक हम लोग बेचू गेट पे टहलते थे। उस समय लाइट नहीं रहता था, सुबह दुकान कैसे खुलेगा ये सोचते थे हम लोग। सड़कें इतनी बेकार थीं और आज हम कपड़े के लाइन से हैं तो हमें पता है कि बाहर से माल कैसे आता है और हम खुद सप्लाई करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप लोग करते हैं? नहीं, हम मतलब बाहर नहीं, यहीं से मतलब इंडिया से ही वो करते हैं। लेकिन माल आने में सहूलियत, प्लस हम लोग जो सप्लाई देते हैं दुकानों पर उसमें काफ़ी सहूलियत आई हुई है तो उससे हम लोगों का रोज़गार भी ठीक हमको समझ में आता है। और बिजली होने से हर वर्ग को, राहुल जी तो कह रहे हैं रोजगार खत्म कर दिया मोदी ने, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, 15 लाख देने की बात करी थी, सब हवा हवाई हो गए। ये रोजगार सिर्फ सरकारी रोजगार नहीं होता है, आम आदमी को अगर सहूलत दिया जाए तो वो अपने मेहनत से काफी अच्छा कमा सकता है। दिन भर आदमी मेहनत करके 1000 भी कमा सकता है, 2000 भी कमा सकता है। और सरकारी नौकरी कितने लोगों को दिया जा सकता है? ये एक बेरोजगारी का लोग जो पोवर्ड गंडा वो कर रहे हैं वो कहीं से भी जायज नहीं है। आप बैंक में जाइए, बैंक में आज इतनी सहूलियत है, अगर आपका ट्रांजेक्शन सही है, मेरा 2 लाख का लोन निकला है सिर्फ 4 दिन में, कोई गारंटी नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरा 6 साल से मेरा ट्रांजेक्शन सही था। कोई आप पहले की स्थिति में देखता हूँ तो 10 साल पहले ये था कि बिना आपको 5% 10% दिए कभी बैंक से 1 रुपये का लोन नहीं निकलता था। तो मोदी जी का ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है जनता को, कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। हाँ, उसके बाद कॉरिडोर हो गया, उससे यहाँ की पब्लिक को आवागमन वो सब ज़्यादा अच्छा से मतलब हो रहा है। अच्छा। तो काशी में काफ़ी विकास हुआ है और भी हम काफ़ी जगहों पर जाते हैं जहाँ पे देखें शौचालय या मकान दिए जितना आज तक कोई प्रधानमंत्री, शौचालय के बारे में समझ जाइए कि अगर कोई प्रधानमंत्री सोच रहा है तो समझ रहे उसकी दूरदृष्टि कितनी मतलब है। क्योंकि लोग तो बनाना तोड़ना, लेकिन पब्लिक के भलाई के लिए अगर वो लोग, अगर एक इंसान अगर सोच रहा है कि नहीं शौचालय दिया जाए, कि आप मुझे याद है कि आए दिन पेपर में लिखता था कि मतलब आता था कि जो लड़कियां हैं वो जा रही हैं शौच के लिए और बहुत दुर्घटना हो जाती है। लेकिन अब देखिए वो पूरा रुक गया है। तो एक कोई प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो जिन्होंने उनकी मतलब इस चीज़ के मतलब प्रॉब्लम को समझा। तो मोदी जी का काफ़ी कार्यकाल 10 साल का बहुत ही बढ़िया गया है, हो सके आगे बटन दबा रहे हैं आप भी जाके। नहीं, हम तो देखिए ऐसा है कि 2014 में मैंने केजरीवाल को वोट दिया था। केजरीवाल वही कह रहे हैं कि मोदी बेकार हैं। मोदी जी का 2014 के बाद जो हमने काम देखा है तो फिर मुझे विश्वास हुआ कि नहीं मोदी जी ही उपयुक्त है, इसलिए मोदी जी पे ज्यादा विश्वास है हम लोगों को। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? प्रभु कृपा है जी। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से जी। अच्छा, केजरीवाल जी की दिल्ली से? केजरीवाल की दिल्ली तो मोदी जी की दिल्ली है भाई, केजी जी काहे की दिल्ली है? मोदी जी की दिल्ली है भाई, केजरीवाल की दिल्ली नहीं है। मोदी की दिल्ली है। केजरीवाल जी तो बाहर आए बोले कि भैया मुझको बंद कर दिया, डर गए, हांफ गए, मोदी की कुर्सी डगमगाई गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। अच्छा, क्या लगा है? आप दिल्ली वाले इस बार क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, जो प्रभु करेगा अच्छा करेगा जी। अच्छा, यहाँ डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चलेगा। जी जी, देखिए देखिए, प्लीज प्लीज जी। हाँ, हम तो मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति, हाँ हाँ, बिल्कुल मेरी जैसी बुलंद आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, मैं दिल्ली से आंसर, नो डिप्लोमेट, मैं भी दिल्ली से हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल दिल्ली से। यानी खुलकर बोल रही है? बोलो, मोदी सरकार आएगी। अच्छा, क्या कर दिया ऐसा कि खुल के बोलो मोदी सरकार आएगी? सब कुछ करे, क्या कर दिया? केजरीवाल ने फ्री, भैया केजरीवाल ने फ्री हमारे लिए भैया फ्री वो करिए, बस सेवा हम औरतों के लिए। केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल ने। हाँ, तो आएगा मोदी? मोदी आएगा, मगर केजरीवाल कुछ भी करे। मोदी का बनारस आपको कैसा लगा? हाँ, बहुत सुंदर, अभी तक तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पहली बार आप लोग बनारस आई? दिल्ली पहली बार आए। तो मतलब सोचा कि जो लगा, जो दिखाया जा रहा है वो है या फिर सब फर्जी रहा? नहीं नहीं, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ये आए जयपुर से? अच्छा, जयपुर राजस्थान वासी। हम जयपुर वासी, मेरा नाम शशि खंडाका। अच्छा। है, और आएंगे मोदी। हाँ भाई, वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुई है पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया मोदी सरकार। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बगल में ही आए थे अमेठी जितवाने के लिए, उनको, केएल शर्मा जी को। आए होंगे, पर हमारे राजस्थान में कांग्रेस चल रही थी, अब मोदी सरकार आ गई। मोदी मोदी जी, आप बताओ, ठोक के बताओ, आप क्या होने वाला? कहीं आएगा मोदी आएगा। मैं तो अपने घर में भी कहती हूँ, ये मोदी सरकार आएंगे। हाँ। पक्का मोदी, देख लेना, मोदी रिटर्न में ले लो रिटर्न। दिल्ली वालों को क्या हो गया? फ्री का पानी, फ्री की बिजली, फ्री का पौवा, फ्री की बोतल, फ्री की पेटी नहीं चाहिए। कोई फ्री का पौवा नहीं है। पैसे देके पीते
आप बताइए क्या कहेंगे, क्या आपका क्या नाम है? हाँ, मैं हम भी जयपुर से ही हैं। जयपुर, हाँ, राजस्थान वाले हैं, लेकिन आएगी मोदी सरकार, राजस्थान में जीती मोदी सरकार है और अब इंडिया में भी मोदी सरकार ही जीतेगी, वही आएगी वापस। राहुल जी को भी जानती है कि राहुल जी को नहीं जानती? राहुल जी को तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन राहुल जी की ना कोई चांसेस नहीं है कि वो बनेंगे इस बार। अरे उनकी बहन है प्रियंका दीदी। कोई बात नहीं, लेकिन उनके दादाजी है मोदी सरकार। दादाजी? मोदी दादा? उनके दादाजी है मोदी सरकार और दादा की ही सीट होती है। दादा की चलेगी? हाँ, 100%। यानी कि डाइनिंग टेबल पे दादाजी की कुर्सी अलग। सही बात है, मोदी सरकार आई है वापस से। जी आप बताइए, हरियाणा से हो? हरियाणा वाले? हरियाणा वाले। हाँ जी भाई, कितनी बढ़िया बात है, यहाँ पर दिल्ली वाले मिले, हरियाणा वाले मिले, राजस्थान वाले मिले और बनारस वाले तो भाई हैं ही है, फेमस दुकान है, मैंने पहले ही बताया ये यहाँ की मशहूर दुकान है, यहीं पे बड़ी भीड़ लगी रहती है। अच्छा ये बताइए हरियाणा वाले क्या सोच रहे हैं? हरियाणा वाले वही सोच रहे जो इंडिया वाले सोच रहे हैं। दिल्ली वाले? इंडिया वाले? इंडिया वाले, भारत से है तो भारत ही बोलेंगे ना पहले तो। अच्छा, बिल्कुल। क्या सोच रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? नहीं, कान में बता नहीं। बिल्कुल नहीं, कान में की चौड़े में बोल रहे हैं मोदी सरकार आएगी। चौड़े में बोल रही है? बिल्कुल आ रहे हैं मोदी, बिल्कुल आ रहे हैं। भैया सबकी सुरक्षा भी करी है, ऐसी बात नहीं है, वैसे ऐसा कोई बहुत सुरक्षा नहीं करी है, अभी भी हम सेफ तो नहीं है, हम अपनी लड़कियों को बहन बेटियों को बाहर घूमने नहीं भेज। दिल्ली वाले हो ना आप, इसलिए दिल्ली वाले नहीं भेज। यूपी? यूपी में? यूपी में हमने इतना नहीं घूमे भाई। अच्छा। सेफ्टी नहीं है, हम अपनी लड़कियों को बाहर नहीं घुमा सकते। ये तो करना चाहिए मोदी सरकार को की थोड़ी और सेफ्टी बढ़ते, थोड़े और। दिल्ली वालों को थोड़ा डर लगता है? हाँ भैया बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, लड़कियाँ बड़ी बड़ी है हमारी, कोई सेफ्टी नहीं है। दिल्ली में डर लगता? ओपन लड़कियों को उठा के ले जाते हैं लड़के दिल्ली में, तो हम अपनी लड़कियों को अपने घर पे ही रखते हैं, सेफ्टी अपने साथ घुमाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप लोग घूम रहे हैं, रात के लगभग 10 बज रहे होंगे, मैं अगर टाइम फिर भी क्या आपको कहीं ऐसा लगा कि भाई कोई फफ्ती कसने वाला मिला हो या कोई अलग से एटमोसफेयर मिला? ऐसा कुछ नहीं मिला हमारा, मगर हम 17 लोग एक साथ हैं तो हमें डर भी नहीं लग रहा इतना कि हम अकेले घूम रहे हैं। ये बात चाहती है कि फिर से मोदी आए? हाँ, सेफ्टी पूरी होनी चाहिए, हालांकि अभी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे इंडिया में, भारत में हर 2 मिनट में हर एक लड़की के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम अंदर से दहशत में रहते हैं कि हमारी सेफ्टी क्या है। आज हमारे साथ भी हमारे घर के जेंट्स कम से कम 4 से 5 7 चलते हैं, अगर हम यही अकेले में होते तो हम इतनी ज्यादा ब्रेवरी या इतना करेज नहीं कर पाते। डर मन में रहता है, दिल्ली में डर है। चाहती है कि अगर गवर्नमेंट बदलना चाहती है, नहीं बदलना चाहते? नहीं, दिल्ली सर, हमें मोदी सरकार ही पसंद है। गवर्नमेंट नहीं बदलेंगे? नहीं नहीं। आप बताइए। नहीं भैया, जो मोदी सरकार है बेस्ट है, बट थोड़े से चेंजेस कर दे तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे सलाह दीजिए कुछ भैया, जैसे अभी बोल ही रहे हैं सब लोग कि लेडीज की सेफ्टी चाहिए बस, और मेन मुद्दा तो हमारा वही है। लेडीज के लिए तो बस फ्री, ट्रेवल फ्री, सेफ्टी थोड़ी ना हो गई? सेफ्टी नहीं है ना? केजरीवाल साहब ने तो कहा सब कुछ नहीं, वो बात ठीक है कि फ्री है बसेस, सेफ्टी थोड़ी ना हो जाती पर बेसिस में ट्रैवल नहीं करते ना हम लोग, तो हमारे लिए तो करती हूँ, मैं तो करती हूँ भैया बस में ट्रैवल फ्री में। दबंग हो? दबंग बिल्कुल बिल्कुल फ्री में। एसी? स्वाति? स्वाति हाँ, स्वाति दबंग वाला? हाँ भैया बिल्कुल। मालीवाल भी है? नहीं नहीं नहीं, हम तो स्वाति गुप्ता है। अच्छा। हाँ, मगर बिल्कुल सेफ्टी से आराम से हम जाते हैं, और सेफ्टी होनी चाहिए। देखिए जनता जनार्दन की राय है और दिल्ली से घूमने आए हैं और लगातार जनता की राय आपको दिखा रहे हैं, और आखिरकार ये लंका का क्षेत्र है, लंका का एरिया है, और पीछे ठीक मेरे पीछे ये दुकान है, और यहीं की जनता से हमने बात करी, राय ली, यहीं पर शाम को लोग आके बैठते हैं, और जनता जनार्दन की क्या राय इस 24 के चुनाव पर, तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, और आप भी कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर देश में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा।